परविंदर सिंह सेठी साहब हैं अध्यक्ष नेशनल फ्रंट ऑफ सिख जस्टिस। परविंदर जी, आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये जो विरोध किया जा रहा है राम रहीम का, भाई रेखा जी का कहना है कि किसको नहीं पैरोल मिला, भाई जिसको जिन्होंने 1 साल की सजा काट ली, जिनको समाज में रहना है उनको पैरोल मिलता है, और ये कोई नई परंपरा तो है नहीं, पहले से चली आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश लगती है क्या आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने जो रेखा जी की सुनी, इन्होंने कहा कि एक चीज देखी जाती है, कहीं वो रेपिस्ट तो नहीं है, कहीं उसने मर्डर तो नहीं करा, कहीं सोसाइटी में कुछ उसका नुकसान तो नहीं है। और मैं बताऊं, गुरमीत राम रहीम ने 2 लड़कियों का रेप करा था और एक जर्नलिस्ट का मर्डर करा था, जिसके अंदर उनको 20 साल की सजा और लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बंदी सिंह हैं, जो 35-35 साल से जेल के अंदर हैं और जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, उनको पैरोल नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक कारणों से सरकार में, मैं आपको पूरा डाटा दे सकता हूं कि जब पंजाब के असेंबली इलेक्शन थे 2022 में, जब हरियाणा में असेंबली पोल थे, जब बाई पोल थे आदमपुर के, हरियाणा के, राजस्थान के, लोकसभा के पोल थे, अलग अलग जगहों पे कभी 50 दिन की, कभी 30 दिन की, कभी 40 दिन की, कभी 21 दिन तो की, परविंदर और सिंह सेठी साहब, लेटेस्ट आप इसको पॉलिटिकल मानते हैं? आप इसको लगता है कि राजनीति, पॉलिटिकल आप राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं आप इसको? मैं राजनीति के साथ साथ मैं ये समझता हूं, लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी का ये अपमान है। एक व्यक्ति जो धर्म की ओट लेके, धर्म गुरु बन के लड़कियों का बलात्कार करता है और पत्रकार का मर्डर करता है, लोगों को नामर्द बनाता है, और वो सोसाइटी के लिए, उसको चुनावों के लिए सभी पार्टी के लोग, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके वहां जाके माथा टेकते हैं, उनको अपने इलेक्शन में ये यूज तो, ये करने का परविंदर जी, काम ये तो करते हैं। लोगों को सोचना चाहिए ना। चलिए।